तो दोस्तों यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया है कि ब्रांड अकाउंट क्या होता है, यानी कि ब्रांड अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि भाई ब्रांड अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट में क्या डिफरेंट होता है, क्या मतलब फर्क होता है, उसे हम लोग क्या मतलब यूज में क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रांड अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है भाई, क्योंकि ब्रांड अकाउंट एक बढ़िया है फिर यार नॉर्मल अकाउंट बढ़िया है, वो इस वीडियो आप लोग को उसी का एक्सप्लेन करूंगा एंड उसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रांड अकाउंट क्या होता है, नॉर्मल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखोगे अपने YouTube चैनल को, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूं। जैसे कि आप लोग अपने YouTube चैनल को ओपन करते होंगे, अगर आप लोग ब्रांड अकाउंट बनाए होंगे ना, तो आप लोग के पास अपना जीमेल पे दो चैनल दिखेगा, ठीक है। जैसे स्विच अकाउंट पर अगर आप जाते हो, यहां पे चेंज करते हो, तो यहां पे देखोगे आप लोगों के सामने यहां पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जो कि देखोगे यहां पे अगर इस चैनल पे मेरा देखोगे रामप्रकाश ब्लॉग वाला पे, तो यहां पे एक ही चैनल दिख रहा है, सिर्फ एक ही दिख रहा है, ठीक है। और वही यहाँ पे देखोगे दूसरा चैनल जो मेरा आरके स्टूडियो चैनल मेरा है, यहाँ पे देखोगे ऊपर एक चैनल दिख रहा है, नीचे भी एक चैनल दिख रहा है, यानी कि एक जीमेल पे दो चैनल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी यानी कि जो नॉर्मल अकाउंट होता है ना, जो नॉर्मल अकाउंट कौन सा होता है, जो कि हम लोग जिस टाइम हम लोग जीमेल क्रिएट करते हैं ना, जिस टाइम हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे न्यू जीमेल बनाते हैं, फिर न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस टाइम देखोगे पहले जो एक अकाउंट बन के आता है वो होता है नॉर्मल अकाउंट, ठीक है। हम लोग जो जीमेल न्यू जीमेल जो हम लोग क्रिएट करते हैं, न्यू जीमेल जिस टाइम बनाते हैं, उस टाइम हम लोग यूट्यूब को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे देखोगे न्यू अपने आप जो चैनल बनता है वो जो होता है नॉर्मल अकाउंट होता है, उसे आपका नाम चेंज कर दो या फिर उसी हिसाब से चैनल बना लो तो नॉर्मल अकाउंट आपका होता है। लेकिन वही देखोगे उसी जीमेल पर अगर आप लोग और चैनल बना देते हो मेरे तरह, तो यहाँ पे देखोगे जो नीचे शो करेगा, जो नीचे देखेगा ना, वो होता है ब्रांड अकाउंट। तो नॉर्मल अकाउंट क्या होता है, ब्रांड अकाउंट क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे कि जो हम लोग यूट्यूब चैनल पर जो जीमेल बनाते हैं उस टाइम हम लोग जो होता है वो सबसे मतलब स्टार्टिंग टाइम जो बनता है वो होता है नॉर्मल अकाउंट, जो हम लोग जो बनाते हैं अपने खुद से बनाते हैं जो कि एक जीमेल पे दो चैनल, वो नीचे वाला जो चैनल शो करता है वो हम लोग का होता है ब्रांड अकाउंट। तो ब्रांड अकाउंट क्या है कि जैसे कि हम लोग नॉर्मल अकाउंट क्या होता है कि हम लोग अगर गलती से डिलीट कर देते हैं, परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, उस कंडीशन पे जो हम लोग का नॉर्मल अकाउंट होता है ना, वापस आने के लिए बहुत सारे मतलब कि टाइम लग जाता है हम लोग को वापस लाने के लिए। जैसे हम लोग मतलब YouTube से बात करना होता है, फिर बहुत सारे मतलब कि परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है, जाके जो कि YouTube चैनल का URL रहेगा तब जाके हम लोग YouTube से मतलब डिलीट चैनल अगर होता है तो हम लोग उस टाइम उस कंडीशन पे रिकवर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो नॉर्मल अकाउंट होता क्या है कि हम लोग YouTube चैनल गलती से डिलीट हो भी जाता है ना, तो उस कंडीशन पे हम लोग को वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मतलब कि दिक्कत होता है, तब जाके हम लोग का चैनल वापस आता भी है, और बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे क्रिएटर का यूट्यूब चैनल वापस नहीं भी आता है, ठीक है। तो नॉर्मल अकाउंट में ये प्रॉब्लम हम लोग के साथ होता है। लेकिन वही ब्रांड अकाउंट में क्या होता है कि अगर हम लोग ब्रांड अकाउंट को अगर गलती से डिलीट कर देते हैं ना, परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, तो जब चाहे हम लोग उसे डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे तो उसे हम लोग वापस ला सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ब्रांड अकाउंट अगर बनाए होंगे, तो अगर आप लोग का ब्रांड अकाउंट अगर डिलीट हो भी जाता है ना, तो आपको वापस ला सकते हो बहुत आसान तरीके से। आप लोग अपने चैनल को ध्यान से चेक करना, अगर आप लोग का चैनल डिलीट भी हुआ है ना, तो आप लोग चेक करना कि आपका ब्रांड अकाउंट होगा, तो भाई आपका चैनल एक मिनट में आपका वापस आ जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब ब्रांड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखना है यूट्यूब ब्रांड अकाउंट, यहाँ पे ब्रांड अकाउंट लिख के आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। जैसे आप सर्च करोगे ना, सबसे पहले आपको चेक इन यू हैव या ब्रांड अकाउंट यूट्यूब हेल्प करके ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद www.my account करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको आ जाना। आने के बाद यहाँ पे आपको अपने चैनल का लोगो पे क्लिक करके, यहाँ पे अपने फोटो पे क्लिक करके अपने चैनल का जो ईमेल होगा वो चेंज कर सकते हो। चेंज करने बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और आप लोग खुद से गलती से चैनल डिलीट किया होगा, तो आपको यहाँ पे डिलीट अकाउंट करके यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे शो करने के बाद आपको एक राउंड करके मतलब गोल इस तरह से रहेगा, उस पर क्लिक कर दोगे आपका चैनल रिकवर हो जाएगा सिर्फ एक मिनट में। यहाँ पे जो आपका ब्रांड अकाउंट रहेगा वो ब्रांड अकाउंट यहाँ पे शो करेगा। तो आप लोग समझ गए भाई कि यहाँ पे ब्रांड अकाउंट क्या होता है, नॉर्मल अकाउंट क्या होता है। अगर नॉर्मल अकाउंट है तो आपका जिस टाइम ईमेल बनाते हैं उस टाइम ऑटोमेटिक आपका चैनल बन जाता है। ब्रांड अकाउंट वो होता है जो कि हम लोग खुद से बनाते हैं, एक जीमेल पे दो चैनल शो कर रहा है, नीचे वाला जो रहेगा ब्रांड अकाउंट रहेगा, ऊपर वाला जो रहेगा नॉर्मल अकाउंट रहेगा। और ब्रांड अकाउंट अगर आपका डिलीट हो जाता है तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। अगर नॉर्मल अकाउंट आपका डिलीट हो जाता है तो आपका बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा, तब जाकर आपका चैनल वापस आएगा, फिर नहीं भी आएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रांड अकाउंट क्या होता है, नॉर्मल अकाउंट क्या होता है। दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, फिर वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है।